स्वागत है आपका एचजे एडुकेशन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं और पूरे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। डेल और बीच की माने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वह प्रोसेस है जिसमें इस बात का आकलन किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सही समय पर एडिक्वेट नंबर में पर्याप्त मात्रा में क्वालिफाइड पर्संस अवेलेबल हो जो अपने काम को इस तरह से पूरा करे जिससे ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्राइज का जरूरत पूरा हो और जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उन्हें भी अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिले। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में मैनेजमेंट इस बात का प्लानिंग करता है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसे किस प्रकार के इम्प्लॉयज की आवश्यकता होगी और कितने इम्प्लॉयज की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मैनेजमेंट यह भी देखता है कि प्रेजेंट इम्प्लॉयज को वर्तमान इम्प्लॉयज को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की सहायता से कोशिश यह रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में सही नंबर में इम्प्लॉयज अवेलेबल रह सके। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में प्लानिंग करते समय इम्प्लॉयज का डिमांड और सप्लाई को एनालाइज किया जाता है ताकि दोनों में बैलेंस बनाया जा सके। एनालिसिस में यह देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है और जितने ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है उतने ह्यूमन रिसोर्स उतने इम्प्लॉयज अवेलेबल है भी कि नहीं। और दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि जितने इम्प्लॉयज जितने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं उतने की आवश्यकता ऑर्गेनाइजेशन को है भी कि नहीं। ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी क्रूशियल होता है। ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग सही तरह से जब किया जाता है तो इससे दो तरह से लाभ होता है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प होता है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने में आसानी होती है और दूसरा समाज का भला होता है, समाज में समृद्धि आती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, चलिए एक एक कर उन्हें पढ़ते हैं। पहला है अनइंटरप्टेड प्रोसेस, निरंतर प्रक्रिया। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वह प्रोसेस है जिसके हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन यह प्रयास करता है कि पोस्ट के अनुसार जॉब के अनुसार इम्प्लॉयज को खोजा जा सके। इसके अलावा यहाँ यह भी नोट करने लायक बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग बाहरी फोर्सेस होते हैं, बाहरी फैक्टर्स होते हैं जिनका प्रभाव ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है और समय के साथ साथ वह फैक्टर्स वह फोर्सेस बदलते रहते हैं और साथ ही साथ काम का नेचर और काम करने के लिए इम्प्लॉयज का रिक्वायरमेंट, काम करने के लिए इम्प्लॉयज की आवश्यकता भी बदलती रहती है। इस बदलते सिचुएशन से तालमेल बनाए रखने के लिए ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े प्लानिंग को कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना पड़ता है, लगातार परफॉर्म करना होता है ताकि समय के बदलने के साथ प्लानिंग भी बदलता रहे और समय के अनुसार प्लानिंग हो। तो यह कहा जा सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक अनइंटरप्टेड प्रोसेस है। अगला फीचर है अरेंजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज करना। सबसे पहले प्लानिंग की सहायता से ऑर्गेनाइजेशन अपने इम्प्लॉयज के जरूरतों को समझती है, जानती है और प्लान के अनुसार प्रयास यह किया जाता है कि उचित इम्प्लॉयज का चुनाव किया जा सके। इतना ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की सहायता से ऑर्गेनाइजेशन यह भी समझ सकती है कि उसे किस प्रकार के इम्प्लॉयज की आवश्यकता है, उसे किस प्रकार के इम्प्लॉयज चाहिए। अगला फीचर है ह्यूमन रिसोर्स का उचित तरह से उपयोग करना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का यह भी विशेषता होता है कि इसकी सहायता से इम्प्लॉयज का सही से उपयोग किया जा सकता है। प्रॉपर प्लानिंग की सहायता से मैनेजर यह चेक कर पाता है कि इम्प्लॉयज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। इतना ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की सहायता से इम्प्लॉयज के क्षमता को भी समझा जा सकता है और उसी हिसाब से इम्प्लॉयज को काम सौंपा जा सकता है। अगला फीचर है एक्यूरेट नंबर्स एंड टाइप्स, सटीक संख्या और प्रकार। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में प्लानिंग करता है, अपने इम्प्लॉयज को लेकर प्लानिंग करता है तो अलग अलग काम को पूरा करने के लिए इम्प्लॉयज का सटीक संख्या का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, प्रॉपर प्लानिंग से ऑर्गेनाइजेशन यह भी जान पाता है कि उसे किस प्रकार के इम्प्लॉयज की आवश्यकता होगी ताकि वे अपने काम को पूरा कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम आसानी से पूरा हो सके और उसी हिसाब से इम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में लाया जा सके। जब इम्प्लॉयज के सटीक संख्या और सटीक प्रकार के बारे में जानकारी हो जाती है तो उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में
इम्प्लॉयज को लाया जाता है, इम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है। अगला फीचर है इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण का प्रभाव, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी बाहरी और भीतरी दो प्रकार के एनवायरमेंट, दो प्रकार के वातावरण का प्लानिंग पर प्रभाव पड़ता है। तो प्लानिंग करते समय इन दोनों प्रकार के वातावरण को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। अगला फीचर हुआ ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का अवधि, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग प्रकार के प्लानिंग करनी होती है। अब ह्यूमन रिसोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए भी किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी किया जा सकता है। हाँ, प्लानिंग शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, यह ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, एक्टिविटीज और नेचर पर निर्भर करता है। अगला फीचर है पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम का एक पार्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट काफी हद तक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर निर्भर करता है। अगला फीचर है एवर चेंजिंग, हमेशा बदलता हुआ। समय के बदलने के साथ काम करने का तरीका और काम का नेचर दोनों में बदलाव आता है और उसी अनुसार ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े प्लानिंग में भी बदलाव आता है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमेशा बदलने वाला प्रोसेस है। ह्यूमन रिसोर्स के फीचर्स को पढ़ने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स को पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि अलग अलग स्टेप से मिलकर बना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम को अच्छी तरह से पूरा करने में हेल्प करता है, मदद करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम को अच्छी तरह से पूरा करने में हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला है एग्जामिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को एग्जामिन करना। इस स्टेप में प्रयास यह किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पहचाना जा सके और उसी अनुसार ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े प्लानिंग किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज करने से यह जाना जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार के काम, किस प्रकार के एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। फिर उसी अनुसार इम्प्लॉयज का चयन किया जाएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन अपने लक्ष्यों को अचीव कर सके। दूसरा स्टेप है एनालाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को एनालाइज करना। इस स्टेप में एग्जिस्टिंग इम्प्लॉयज के कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और क्षमता को एनालाइज किया जाता है ताकि उससे जुड़े इंफॉर्मेशन आसानी से मिल सके, जिससे इम्प्लॉयज को उसके कैपेसिटी, इम्प्लॉयज को उसके क्षमता के अनुसार काम सौंपा जा सके। इतना ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को इस बात का भी आइडिया लग जाता है कि कितने इम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूट करना है और कितने इम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के भीतर से उस पोस्ट पर बैठाना है। तीसरा स्टेप है डिमांड और सप्लाई को एस्टीमेट करना। इस स्टेप में प्लानर, प्लानिंग करने वाला व्यक्ति, यह एस्टीमेट करता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए कितने इम्प्लॉयज की आवश्यकता होगी। और इतना ही नहीं, प्लानर यह भी चेक करता है कि उचित मात्रा में इम्प्लॉयज अवेलेबल है भी कि नहीं। इसके अलावा मार्केट को भी एनालाइज किया जाता है ताकि ह्यूमन रिसोर्स के सप्लाई को समझा जा सके। अगला स्टेप है सीइंग सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस या डेफिसिट को देखना। इम्प्लॉय के डिमांड और सप्लाई को एस्टीमेट करने के बाद यह देखा जाता है कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है कि नहीं, जितने इम्प्लॉयज की आवश्यकता है उतने इम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं। अगर आवश्यकता से ज्यादा इम्प्लॉयज हैं तो उन्हें उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है जहां पर इम्प्लॉयज कम हैं, और अगर इम्प्लॉयज का शॉर्टेज हो रहा है तो नए इम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में लाया जा सकता है। चलिए अगले स्टेप की ओर चलें, जो कि है प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान, प्लान को बनाना और प्लान को लागू करना। अगर इम्प्लॉय के डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होता है, डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं बन पाता है, तो दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है। इस स्टेप में ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े प्लानिंग की जाती है और यह तय किया जाता है कि इम्प्लॉयज कहाँ से लाए जाएंगे, किस प्रकार के इम्प्लॉयज लाए जाएंगे, उन्हें ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, और यह भी देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉयज अपना योगदान कैसे देंगे। प्लान बन जाने के बाद फिर उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। अगला स्टेप हुआ ऑब्जर्वेशन और फीडबैक, ऑब्जर्व करना, देखना और फीडबैक। जब प्लान को अमल में लाया जाता है तो मैनेजर यह ऑब्जर्व करता है कि सारे एक्टिविटीज प्लान के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं। अगर सारे एक्टिविटीज,
सारे काम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं, कारण का पता लगाया जाता है। फिर इवैल्यूएशन की सहायता से यह देखा जाता है कि किस हद तक एक्टिविटीज प्लान के हिसाब से चला है, और साथ ही साथ यह देखा जाता है कि किस हद तक एक्टिविटीज प्लान के हिसाब से चल रहा है, और साथ ही साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि फीडबैक का प्रोविजन है भी कि नहीं, क्योंकि फीडबैक की सहायता से काम को और अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है।